क्या कह रहे हो तुम वलीद? खुदा के लिए चुप हो जाओ। कि जमीन फट जाएगी, इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? इल्जाम लगा पाती भाई जी, मैं तो सायरा के वो अल्फाज आपके सामने दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे सलीम पर एतबार नहीं। सायरा की कभी भी कोई बात को इतना सीरियसली लेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। पछताएंगे आप, प्लीज जाइए और हुमैरा भाभी को वापस घर लेकर आइए। अपनी सियातियों की माफी मांगे उनसे। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी आ गई है जिसका आप इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई? आपको बता चुकी हूँ, जब तक राहिल मेरी बात नहीं मानेगा वापस नहीं जाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो आलिया, कि राहिल अपनी माँ को घर से निकाल दे? मेरा बाप के पास अपने बेटों के अलावा और है क्या? माँ पे तुम इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो आलिया? वाह वाह। हाँ अम्मी, जब बात अपनी बेटी पर आई है आपको जुल्म याद आ गया। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बदले की आग में पागल हो चुकी हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चले आपने इसी बहाने ये तो तस्लीम किया कि आप मेरी माँ नहीं है। मुझे आपसे हिसाब लेना चाहिए ना, हिसाब लेना चाहिए मुझे आपसे। शहर का जो अब लम्हा बर लम्हा मेरी रगों में भरती रही, आज आज आप सबके सामने मैं ये तस्लीम करती हूँ कि मैंने हमेशा हमेशा दानियाल की तोहीन की। उसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की मैंने। और ये आप है, ये आपका सलूक है जिसकी वजह से मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज ने मुझे सब करने पर मजबूर किया, मेरा घर बर्बाद करने पर मजबूर कर दिया अपने हाथों पे ने। और मेरी बर्बादी का कसूर आपका है अम्मी, हर चीज की कसूरवार आप है। और आप दोनों आप जिन्होंने मुझे तकसीम करके रख दिया, दो भाई मेरी दो माए, मैं तो टुकड़ों में ही भटके रह गई। एक तो मैं हुई नहीं, मैं तो टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। तुमने हमें सजा तो सुना दी फातिमा, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हारे टुकड़े होना तो उसी दिन शुरू होगा जिस दिन रात के तहत साहिरा तुम्हें तहमीना की गोद में अकेला छोड़कर चली गई और खुद गायब हो गई थी हमेशा के। मेरी जात का बंटवारा तब हुआ था जिस पूरे अम्मी को तलाक दी थी, दो हिस्सों में बंट गई थी मैं उस दिन। और जिस दिन उन्होंने मुझे आपकी झोली में डाल दिया, तुम्हें क्या करता हुआ तुम्हें क्या करता मैं? अपने सीने से लगा कर रखते अब्बू, खुद से जुदा मत करते। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आ सका कि मैं किसे अपना अब्बू कहूं, आपको या आपको। दोनों ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली है, टुकड़े टुकड़े करके रख लिए। मैं तो आज तक अपनी पहचान ढूंढती जा रही हूं अब्बू। फातिमा फातिमा